Assalamu alaikum, dear friends. So again, I'm here in front of you to discuss remove 2. The topic is remove 2. ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर आता रहता है, कई बार टेस्टेज में और कई बार कंपोजिशन के पेपर्स में, और उसके अलावा भी ये वाइडली टॉपिक जो है डिस्कस होता रहता है. सो आप हैं आज हालार आईईटी के चैनल पर अलीगढ़ मरी के साथ. सो आज हम डिस्कस करेंगे रिमूव 2. सो कुछ भी डिस्कस करने से पहले हमें 3 चीज़ें गौर से देखनी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में. वो हैं व्हाट, हाउ, व्हाई. किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हम, या किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन से पहले हम 3 चीज़ें ज़रूर देखते हैं. द फर्स्ट वन है, वो है व्हाट, कि भाई क्यों, सॉरी क्या, मतलब कि व्हाट इज़ टू, टू है क्या और हमने इसे रिमूव क्यों करना है, कैसे करना है. हम ये हाउ में देखेंगे कि भाई रिमूव टू को आप रिमूव कैसे करेंगे, और उसके अलावा व्हाई हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई हम टू को रिमूव करते क्यों हैं. ठीक है जनाब, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले या किसी भी किस्म की ऑब्जर्वेशन से पहले आपको 3 क्वेश्चंस अपने माइंड में अराइज करने चाहिए कि भाई व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़, व्हाई इट इज़, ये क्या है, ये कैसे है और ये क्यों है, ताकि आप लोगों के पास एक इमेज बन जाए कि भाई हम चीज़ें हैं क्या, वो क्यों हैं और उन्हें हमें किस लिए पढ़ते हैं. अब सबसे पहले कि हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज टू, टू जो वर्ड है, टू है क्या. अगर हम, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि भाई टू की डेफिनेशन, या यूं कह लें कि टू की मीनिंग क्या होगी, तो उर्दू में आप यूं कह सकते हैं कि भाई अगर हम इंग्लिश में देखें तो टू की जो मीनिंग है वो है इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल, ठीक है. अगर आप उर्दू में देखना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि भाई नाकाबिले यकीनन हद तक. नाकाबिले यकीनन हद तक, सॉरी, नाकाबिले यकीनन हद तक मीन्स कि एक हद जो होती है उससे भी ज़्यादा, हद की अपनी बाउंड्रीज से भी ज़्यादा. अच्छा, ये अपनी नाकाबिले यकीनन हद तक जब चला जाता है तब इसका जो सेंस है वो हमें नेगेटिव में मिलता है, इसका सेंस नेगेटिव बन जाता है. नाकाबिले यकीनन हद तक एक चीज़ होती है कि भाई काबिले यकीनन, ठीक है, वो अपने बाउंड्रीज के अंदर होती है. अगर नाकाबिले यकीनन हद तक के कोई चीज़ चली जाए, मतलब उसकी लेवल ऑफ इंटेंसिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो फिर नेगेटिव सेंस में चली जाती है. हम अगर इन्हें सेंटेंसेस में, अगर उर्दू में ही बात करें, जैसे कि हम यूँ कहते हैं कि मैं इतना चल चुका हूँ या इतना थक चुका हूँ कि अब चल ही नहीं सकता, मतलब मैं नाकाबिले यकीनन हद तक चल सकता हूँ, चल चुका हूँ, मतलब मैं, मेरी जो चलने की इंटेंसिटी थी मुझ में, जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी थी मुझ में, मैं उससे बढ़ चुका हूँ, अब नहीं चल सकता. तो भाई सेम ही काम है टू का, क्योंकि मीनिंग है इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल एक होता है कि भाई इक्वल टू द लेवल, एक है इनक्रेडिबल, अपने काम से बढ़कर. उर्दू में यूं देख लें कि भाई नाकाबिले यकीनन हद तक, मतलब हदों से भी ज़्यादा. इसी वजह से ये किस सेंस में चला जाता है, नेगेटिव सेंस में चला जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर आपने कैसे पुट करना है. सबसे पहले तो ये सोच लें कि हम जो टू है उसको हम जो ट्रांसफर करते हैं वो, या रिमूव करते हैं सो और दैट के साथ. टू रिमूव होता है सो और दैट के साथ. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, या सिंपली यूं भी कह लें कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है. उसके बाद हमने सो लगाना होता है, देन आपने एडजेक्टिव रखना होता है, एडजेक्टिव के बाद आपने दैट रखना होता है, ठीक है, दैट के बाद अगेन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद अगेन वर्ब कह लें या उसके साथ की जो एक्सटेंशन होती है वो सेंटेंस के दूसरे पार्ट, जो मतलब नाकाबिले यकीनन हद तक चला जाता है, वो यहाँ पर आता है. अच्छा, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में. जब ये रिमूव हो जाता है टू, तो वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस में चला जाता है. ठीक है जनाब, मैं बतौर समझाने के लिए आपको एक
एग्जाम्पल लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ कि भाई ही इज टू लायर टू स्पीक द ट्रुथ, इज टू लायर टू स्पीक द ट्रुथ, मतलब जो उसकी झूठ बोलने की मतलब जो उसका वे है वो एक होता है कि हद तक झूठ बोलते हैं, एक होता है कुछ ऐसे होते हैं जो खाते पीते वक्त भी झूठ बोल लेते हैं, ठीक है, मतलब जो झूठ बोलने की लेवल है वो उससे भी बढ़ चुका है। एक होता है कहता है कि भाई मैंने सांप देखा, मतलब शहर में अगर कहे कि मैंने घर में सांप देखा, चलो होते नहीं फिर भी हल्का फुल्का झूठ है चल जाता है, लेकिन अगर वो कहे कि मैंने एक अजदा देखा अजदा, तो ये क्या होगा कि भाई झूठ की जो लेवल है वो नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं कि ही इज़ टू लायर टू स्पीक द ट्रुथ, वो इतने हद तक झूठ बोलता है, वो नाकाबिले यकीनन हद तक झूठ बोलता है कि कभी सच बोल ही नहीं सकता। ही इज टू लायर, वो नाकाबिले यकीनन हद तक झूठा है, वो नाकाबिले यकीनन हद तक झूठा है कि सच बोल ही नहीं सकता, वो इतने हद तक झूठ बोलने में माहिर है कि वो सच बोल ही नहीं सकता। अच्छा, अगर हम इसकी डेरिवेशन करें तो ही क्या है, सब्जेक्ट, इस क्या है, वर्ब, इसे हम इसे स्ट्रक्चर के मुताबिक रखेंगे, ये स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने माइंड में रखना है रिमूव्ड के लिए। उसके बाद टू जो है वो आपका सो में कन्वर्ट हो जाएगा, लायर जो कि आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद टू को हम चेंज कर देंगे दैट में, उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर लगा था कि भाई पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएंगे, इसका सब्जेक्ट तो ही है, तो अगेन मतलब वही वाला ऐसा यहाँ पर आएगा, ऐसे यूँ कह लें कि एक्सटेंशन, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का वो आएगा। ठीक है, चले हम इसे ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने सब्जेक्ट रखना है सेंटेंस का, मतलब कि ही इज, ही इज, अब टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट में रिमूव करने के लिए, तो टू यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ही इज सो, एडजेक्टिव को सेम रखेंगे लाया, टू को हम दैट में कन्वर्ट कर देंगे दैट, सब्जेक्ट तो यहां पर वो खुद ही है, दैट ही कैन नॉट, इस रूल के मुताबिक दैट ही कैन नॉट स्पीक द ट्रुथ, वो इतने हद तक झूठा है कि वो कभी सच बोल ही नहीं सकता, मतलब सच उसके जुबान पर आ ही नहीं सकता। टू की मीनिंग अगेन देखें नाकाबले यकीनन हद तक, मतलब एक चीज़ अपनी लेवल से अपनी ग्रॉस इक्वलिटी से जब बढ़ जाए, ठीक है, तब आप वहाँ पर टू यूज़ करते हैं, और उसे रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सो एंड दैट, सो एंड दैट। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने माइंड में रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वही रखने हैं जो सेंटेंस में हैं, जो टू है आपका वो सो दैट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसका भी एक स्ट्रक्चर है, पहले आप सो रखेंगे, उसके बाद जो एडजेक्टिव सेंटेंस का है वो रखेंगे, बाद में जो टू आता है ज़्यादातर सेंटेंस में टू ना भी आए, ठीक है, उसको भी आपने एडजेक्टिव के बाद दैट ही लगाना है, दैट के बाद जो नेगेटिव सेंटेंस आएगा वो जो उससे हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो रखेंगे। अगर आप इसकी मीनिंग लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे कि भाई वो इतने हद तक झूठा है कि कभी सच बोल ही नहीं सकता, वो इतने हद तक झूठा है कि सच बोल ही नहीं सकता। याद रखिए, वो इतने हद तक झूठा है कि सच बोल ही नहीं हो सकता, ये हेट इतने हद तक छोटी है कि कोई पहन ही नहीं सकता, ठीक है, ये टू जो है ऐसी ऐसी ही मीनिंग्स देता है। अच्छा, ऐसे हम मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ और सेंटेंसेस टू के डिस्कस करते हैं, और उसके अलावा हम, ये तो प्रेजेंट के टेंस है, अगर टू में ही कोई पास्ट का सेंटेंस हो तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हम बताते हैं या इस चीज़ को डिस्कस करते हैं जनाब। अच्छा, अगर आप लोगों ने लिख लिया, इजाज़त है मैं तो बता दूँ, थैंक यू।
तो जनाब स्ट्रक्चर आप लोग पहले रख चुके हैं, आपको पता है कि किस स्ट्रक्चर के मुताबिक रखना है, शायद आप लोगों ने नोट भी किया हो। तो हम उसी स्ट्रक्चर्स के मुताबिक कुछ मजीद सेंटेंसेस लिखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस हैट इज टू स्मॉल टू वेयर। ये हैट इतना छोटा है कि कोई पहन ही नहीं सकता। अब यूं कह लें कि ये जो हैट है ये नाकाबले यकीनन हद तक छोटा है, वो अपने हद से भी ज़्यादा छोटा है। एक हद होती है, मतलब साइजेस होते हैं, अगर बच्चा है तो उसके हैट साइज़ के मुताबिक हैट होती है, लेकिन मतलब इतना सा हैट है तो इंसानों में से मेरे ख्याल से बच्चे का भी सर इतना तो नहीं होगा, वो कुछ बड़ा होता है, तो कोई पहन ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब जो उसकी हद है, जो उसकी बाउंड्री है वो उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, द हैट इज़ टू स्मॉल टू वियर, हैट इतना छोटा है या नाकाबले यकीनन हद तक छोटा है, या हैट इतने हद तक छोटा है कि कोई पहन ही नहीं सकता। जी हाँ जनाब, इसे अगर आप हम कन्वर्ट करेंगे या टू को रिमूव करेंगे तो आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहता है, दिस हैट इज, टू को हम चेंज कर देंगे सो में, दिस हैट इज सो स्मॉल, सो स्मॉल टू हो जाता है दैट में, दिस हैट इज सो स्मॉल दैट। अब यहाँ पर देखें कोई खासा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जनरल बात की जा रही है, ओवरऑल बात की जा रही है, ऑन द होल कंसिडरेशन है कि भाई इतना छोटा है कि कोई भी नहीं पहन सकता, आप भी नहीं मैं भी नहीं। ठीक है, दैट नो वन कैन वेयर इट, नो वन कैन वेयर इट, द हैट इज सो स्मॉल दैट नो वन कैन वेयर इट, हैट इतने हद तक छोटा है कि कोई उसे पहन ही नहीं सकता। एक और सेंटेंस लिख लेता हूं मैं, I am too tired to walk. मैं इतने हद तक थक चुका हूँ, मैं इतने हद तक थक चुका हूँ कि अब चल ही नहीं सकता। मतलब एक थकने की हद होती है, मैं उस थकने की हद से भी बढ़ चुका हूँ, हद से ज़्यादा जो मेरी मुझमें जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी है काम करने की, मैं उससे सपोज ज़्यादा कर चुका हूँ और अब मैं थक चुका हूँ, अब उससे बढ़कर नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कि भाई आई एम सो टायर्ड दैट, अब सब्जेक्ट तो वही है, दैट आई कैन नॉट वॉक, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक। चलें जनाब, यहाँ के हद तक तो ठीक है, प्रेजेंट टेंसेस हैं, जो हेल्पिंग अप होगा वही हेल्पिंग अप रखना है, जो आपका एडजेक्टिव होगा वही एडजेक्टिव रखना है, उसके बाद जो नेक्स्ट दैट के बाद एक सेंटेंस बनाना है, वो वाला सेंटेंस बनाना है जिसको टू रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, वो इस सेंटेंस में आपको दिखाई तो नहीं देगा, यहाँ पर आपको एक ही सेंटेंस दिखाई देगा, लेकिन ये जो टू है ये इसकी ऐसी मीनिंग है जो सेंटेंसेस को, या सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देखें तो वो उसको सेंटेंसेस को दो हिस्सों में डेरिवेट कर रहा है, दो हिस्सों में जुदा जुदा कर रहा है। जैसे कि देखें, आई एम टू टायर्ड टू वॉक, मैं इतने हद तक थक चुका हूँ कि चल नहीं सकता। अब देखें दो सेंटेंसेस हैं, एक है कि मैं इतने हद तक थक चुका हूँ, दूसरा कि मैं चल नहीं सकता, इसकी अपनी ही ट्रांसलेशन में। तो जब इसको हम रिमूव करेंगे तो हम भी वैसा ही करेंगे, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, दैट आई कैन नॉट वॉक। तो ये तो रही प्रेजेंट की बात, अगर हमारे पास कोई पास्ट का सेंटेंस हो टू से रिलेटेड तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। लिख चुके हैं, अब देखें, आई वॉज सो बिजी, सॉरी आई वॉज टू बिजी, Yesterday to call you. तो देखें जनाब, पहली बात तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट रखनी होंगी, आपको अपने जहन में करनी होंगी। देखें, ये एक पास्ट का सेंटेंस है, I was so busy yesterday to call you. Sorry, I was too busy yesterday to call you.
कल मैं इतने हद तक मसरूफ था, मतलब एक हद होती है मसरूफियात की भी, लेकिन ये बंदा जो है वो कहना चाह रहा है, या मतलब मैं जो हूँ वो कहना चाह रहा हूँ कि मैं कल इतने हद तक, मतलब नाकाबले यकीनन हद तक मसरूफ था कि मैं आपको कॉल ही नहीं कर पाया, नाकाबले यकीनन हद तक मसरूफ था। तो जनाब देखें, था पास का सेंटेंस है, प्रेजेंट में आपने क्या किया है कि जब आप सेकंड पार्ट बनाते हैं तो उसमें कैन ही रखा है। जी हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, तो जो कैन है उसका सेकंड फॉर्म याद रखेंगे। आपको पता है पास टेंस में हम क्या करते हैं, वो आपकी सेकंड फॉर्म रखते हैं। तो कैन का सेकंड फॉर्म क्या है पता होगा सबको, कुछ। जी हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ इंडिविजुअली खुद एक हेल्पिंग वर्ब है, खुद एक मॉडल वर्ब भी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपके कैन का पास फॉर्म भी है। ठीक है, अगर हम इसे रिमूव करें तो देखें जनाब कुछ ऐसे होगा ये कि आई वॉज, टू को चेंज कर देंगे सो बिजी यस्टरडे, आई वॉज सो बिजी यस्टरडे, टू को आप चेंज कर देंगे दैट में, आई वॉज सो बिजी यस्टरडे दैट, अब सब्जेक्ट कौन है वो ही है आई, दैट आई, आपने पहले तो देखा क्या कर रहे थे हम, कैन नॉट, कैन नॉट, लेकिन ये पास का सेंटेंस है तो आप कैन नहीं कुड नॉट लगाएंगे। आई कुडेंट या कुड नॉट कहने बात एक ही है, दैट आई कुडेंट कॉल यू, आई वॉज सो बिजी यस्टरडे दैट आई कुडेंट कॉल यू, ये पास सेंटेंस का सेंटेंस है, इस वजह से हमने कुड कैन की जगह कुड रख दिया, और उसके अलावा ये जो हेल्पिंग वर्ब था वाज, तो वो वाज ही रहेगा। आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ही रहता है, जो आपने कहा हेल्पिंग वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बस फर्क क्या होता है कि भाई टू को आप सो और दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके अलावा जो टू की एक एग्जैजरेटेड मीनिंग है वो दो हिस्से में होती है। तो जो टू के साथ वाला सेंटेंस है वहाँ पर तो उसका सेकंड पार्ट अक्सर नहीं होता, लेकिन जब आप उसे रिमूव करते हैं तो वहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट को मैंशन करना होता है। सो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक रिमूव टू का, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप ऐसे ही टू को रिमूव करते रहेंगे। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, अगर आपको कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हूँ आपका खादिम अली असगर मरी, तो फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।